ओके बच्चों, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने सक्सेसफुली जेई मेंस का पेपर दिया, आपको जोसा ने काउंसलिंग अटेंड की, आपने सीसैप की काउंसलिंग अटेंड की। अब उसके बाद आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे यूपी टेक, यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। आप यूपी टेक की काउंसलिंग भी अटेंड कर रहे होंगे होपफुली। तो अभी बच्चों आपका राउंड वन हो चुका है, राउंड टू भी हो चुका है और राउंड थ्री भी हो चुका है। तो राउंड थ्री तक के रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले हो चुके हैं। अब बच्चों बारी आ चुकी है मैदान में लड़ाई की, यानी कि बच्चों अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाएगा और नंबर ऑफ सीट्स कम होती चली जाएंगी और आपके पास फाइनली राउंड खत्म हो करके आपके पास सीधा सीधा स्पॉट राउंड आ जाएगा। तो बच्चों अभी तक राउंड थ्री तक अगर किसी भी बच्चे को अगर कोई भी सीट नहीं मिली है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे नीचे संपर्क कर सकता है। हो सकता है जो सीट मिली हो या जो आपको कॉलेज मिला हो आप उससे संतुष्ट ना हो, तो वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकता है। क्योंकि बच्चों यूपी टेक की काउंसलिंग के बाद यहाँ पर यूजीसी का नोटिस आ गया है कि सारी काउंसलिंग ओवर कर दी जाएगी, यानी कि 30 अगस्त तक आपकी लगभग ये मान के चलिए काउंसलिंग ओवर होने का टाइम है, जिसको एक्सटेंड करके 20 सितंबर तक खींचा जा सकता है स्पॉट राउंड की वजह से। लेकिन अब ये काउंसलिंग खत्म होने का दौर आ चुका है, तो जिन बच्चों ने अपने अभी तक परसेंटाइल जेई मेंस के नहीं यूज किए हैं तो वो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप यूपी टेक की काउंसलिंग पे ही अपना रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग बेस्ट से बेस्ट करें और काउंसलिंग सपोर्ट आप ले सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं अब आपको टेंटेटिव शेड्यूल जरूर आपको बता देता हूँ, और मैं अभी बीटेक की काउंसलिंग का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं बीटेक के बारे में ही डिस्कशन करूंगा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये आपका कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है, यहाँ पे लिखा है बीटेक काउंसलिंग 2024। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड थ्री का अभी तक अपग्रेडेशन जो है, यानी कि राउंड थ्री में मॉडिफिकेशन, राउंड थ्री के बाद मॉडिफिकेशन तो नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं। जो मॉडिफिकेशन था चॉइस फिलिंग में वो राउंड टू में था, राउंड थ्री में था। मॉडिफिकेशन आप अपनी चॉइसेस में कर सकते थे, राउंड टू में और राउंड थ्री में कर सकते थे, लेकिन बच्चों अब किसी भी तरह का आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब जो आपने चॉइसेस बनी थी वो फुल एंड फाइनल है, उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर यूपी टेक का आपको एक बार काउंसलिंग शेड्यूल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर बीटेक वाया जेई मेंस यहाँ पे टारगेट करना है, लेकिन अगर आप किसी अन्य कोर्स पे भी टारगेट कर रहे हैं और अगर आपको हेल्प चाहिए किसी की भी तो आप हमको बता सकते हैं। और बच्चों अन्य कोर्सेज के लिए आपका सीयूईटी का एग्जाम यूजी वाला या पीजी वाला दिया होना चाहिए, तभी आपको मैं यहाँ पर हेल्प कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलर राउंड्स, रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड इन राउंड टू, राउंड थ्री एंड राउंड फोर। तो बच्चों अब आप किसी भी तरह का ऑल्टरेशन नहीं कर सकते हैं राउंड थ्री की चॉइसेस में, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे। तो राउंड वन का काफी समय तक आपका रजिस्ट्रेशन ओपन भी था, जिसके लिए मैंने आपका वीडियो भी बनाया था और आपसे कहा था कि मैंने आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तभी भी कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन रह गया था क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही अवसर बचा है, वो भी है स्पेशल राउंड का, जिसको हम लोग स्पॉट राउंड के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों राउंड वन में इस तरह से आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया था। और फिर बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंड टू के लिए, अगर आप राउंड टू पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ऑल्टरेशन एंड लॉकिंग, यानी कि राउंड टू तक भी आपके पास मौका था कि आप लगातार अपनी चॉइसेस को क्या कर सकते थे, राउंड टू में आप उसको ऑल्टर कर सकते थे। फिर बच्चों राउंड थ्री, तो राउंड थ्री का अब आपका रिजल्ट आ चुका है राउंड टू के बाद। अब आप बच्चों किसी भी तरह से आपके पास ध्यान से देखिए कि आपके पास चॉइस फिलिंग, यानी कि राउंड टू के बाद जो राउंड थ्री स्टार्ट होना था तो उसमें आपके पास एक ऑर्डर दिया था कि आप लास्ट एक बार कर सकते हैं चॉइस फिलिंग का ऑर्डर इंटरचेंज, ठीक है ना। तो ये आपके पास आखिरी मौका था जो आप, वो भी निकल चुका है क्योंकि यहाँ पर बच्चों 20 अगस्त पहले से ही बीत चुकी है। अब बच्चों आपके पास यहाँ पे जो राउंड फोर है उस पे आपको ध्यान देना होगा कि जो राउंड फोर है, और राउंड फोर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राउंड फोर में जिन बच्चों ने जो भी चॉइस फिलिंग कर रखी होगी उसी के आधार पे उनको कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तो सीट अलॉटमेंट बच्चों ऑटो फ्रीज रहेगा, जो आपकी चॉइसेस हैं वो ऑटो फ्रीज रहेंगी, यहाँ पे आप उसी भी तरह का ऑल्टरेशन नहीं कर सकते हैं।
जनरल कैंडिडेट को 20,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी रहती है और SC ST कैटेगरी को 12,000 रुपीज जमा करनी पड़ती है। इसके बाद बच्चों, अब आपके पास यही है कि आपके पास राउंड 4 और राउंड 5 है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, चॉइस फिलिंग कर रखी है, तो वो ऑटोमेटिक उसी को ही कंसिडर किया जाएगा राउंड 4 और राउंड 5 में। किसी भी तरह का यहाँ पे चेंज अलाउ नहीं होगा। उसके बाद बच्चों, आपका जो रजिस्ट्रेशन है स्पेशल राउंड, जिसको हम लोग स्पॉट राउंड भी कह सकते हैं, वो बच्चों आपको जान के खुशी होगी, वो 7 सितंबर से चालू होगा। तो 7 सितंबर की प्लानिंग आप पहले से ही कर लीजिए कि भैया आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, चॉइस फिलिंग का क्या ऑर्डर होगा, हमें कौन सी ब्रांच में लेना है, हमें दिल्ली में रहना है, कहाँ रहना है, यूपी में रहना है, यूपी के कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, कन्नौज में चाहिए, है ना, कौन सा कॉलेज चाहिए। इसके लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिए गए, जो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आपके पास जो है ये बच्चों रजिस्ट्रेशन का जो है स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन 7-9 को ओपन होगा, तब आपके पास यहाँ से रास्ता आपका खुल पाएगा यदि आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया हुआ है। तो बच्चों, एक शॉर्ट रिव्यू था और ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल था यूपी टेक की काउंसलिंग का, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को यूपी टेक की काउंसलिंग का शेड्यूल ही नहीं पता है और वो डेली वेबसाइट ओपन करते रहते हैं। तो बच्चों, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पूरी यूपी टेक काउंसलिंग का काम हो रहा है, तो आप इस शेड्यूल को जरूर फॉलो करें। और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। तो बच्चों, यहाँ पे मैं वीडियो का दी एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।